to all, myself Poonam Des, Assistant Professor of Pharmacology. Welcome back to Arjan Pharmados. आज के लेक्चर में आप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिका ड्रग्स. हिंदी में आप करेंगे इसको ताकि सब बच्चों को समझना इजी हो. इससे पहले के लेक्चर में हमने करा था स्लीप पैटर्न क्या है, डेफिनेशन क्या थी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की, कौन सी स्टेजेस स्लीप की, और इंसोमिया क्या था, है ना. आपने बस जनरल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करा था. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करी थी कि कौन सी ड्रग्स थी जो कि एज एन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का काम करती है, जिसके अंदर बेंजोडाइजेपिन्स थी, बारबिट्यूरेट्स थी, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स थी, अदर ड्रग्स थी, सच एज डायजेपाम, लोराजेपाम, फ्लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, मेट्राजेपाम, है ना, जोपिकलोन, जोल्पिडाम, ये अलग अलग ड्रग हमने देखी थी. फेनिटोइन है, थायोपेंटोन सोडियम थी, मेथोहेक्सीटोन थी. अब हम इन्हीं ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एज एन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग. सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. हिप्नोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स थी जिसको हम लेते थे किसके लिए, नेचुरल स्लीप इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है. एंड सेडेटिव ड्रग्स वो ड्रग्स है जिसको हम यूज करते हैं अपने ब्रेन को, अपने सीएनएस को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए एंड कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप. अब क्या है हिप्नोटिक सेडेटिव काम कैसे करती है, सबसे पहले देखो ये जानते हैं. नाम से क्लियर है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. अगर ये सीएनएस को क्या करी है, ब्रेन को रिलैक्स करी है, इसका मतलब सीएनएस को ये क्या करी है, डिप्रेस करी है. दोनों ही कैटेगरी की ड्रग हिप्नोटिक हो या फिर सेडेटिव हो, दोनों क्या करती है, हमारे सीएनएस को डिप्रेस करती है. बस डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि जो आपकी हिप्नोटिक है वो हाई डोज है एंड सेडेटिव है वो लो डोज है. सिर्फ डेप्थ पेन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सेडेटिव है वो कम डोज में आपकी कामनेस प्रोड्यूस करती है, बट हिप्नोटिक हाई डोज पे जब आप सेडेटिव की डोज देते हो तब वो नेचुरली स्लीप इंड्यूस करती है. अब देखते हैं मैकेनिज्म. सबसे पहले अपने पास ड्रग थी, उसमें बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन. इसको समझने के लिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए आप एक छोटी सी चीज समझते हैं. देखिए मैं एक छोटा सा जूम कर सकते हैं, छोटे से डायग्राम जो एक्शन पोटेंशियल हम कर चुके हैं उसी के थ्रू आपको ये चीज क्लियर कराती हूँ, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, ठीक है. एक्शन पोटेंशियल क्या था, एक नर्व इम्पल्स का जनरेशन, है ना, एक नर्व इम्पल्स की जनरेशन को हम एक्शन पोटेंशियल कहते थे. देखो जैसे ही हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल में मैंने एक नर्व इम्पल्स का डायग्राम बनाया, यहाँ पे जो कंडीशन होती थी इसको हम बोलते थे डीपोलराइजेशन. इसको जूम कर सकते हैं, डीपोलराइजेशन, एक मिनट स्टॉप करें. जैसे हम बात कर रहे थे अभी डीपोलराइजेशन की, ठीक है, उसके बाद मैं बोल रही हूँ डीपोलराइजेशन. एक बार आप टर्म बता देते हैं डीपोलराइजेशन, कुछ कुछ बच्चों को पता होगा बट जिनको नहीं पता उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये. उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन जूम कर सकते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है, एक मिनट आप बंद करोगे, ठीक है. एक एक्शन पोटेंशियल के लिए, एक इम्पल्स जनरेशन होने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होती है, एक डीपोलराइजेशन स्टेज एंड रीपोलराइजेशन स्टेज, है ना. एक एक्शन पोटेंशियल क्या होता था, एक नर्व इम्पल्स का जनरेशन होना, आप बेसिक समझते हैं हम पहले. डीपोलराइजेशन कौन सी कंडीशन थी, वो कंडीशन थी जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग होती थी, है ना. रीपोलराइजेशन वो स्टेज थी जिसके अंदर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होती थी. हाइपरपोलराइजेशन वो कंडीशन थी जिसमें कंटिन्यू पोटेशियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन फ्लो करते थे और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबल होती थी, रिलैक्स होती थी. अब क्या है, जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है ये अपना जो एक्शन शो करते हैं, मेन जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसा है, मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करना. ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करते हैं, मींस पोटेशियम का आउटसाइड ज्यादा फ्लो करेंगे जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलैक्स होती है. अब एक चीज और समझते हैं, हम जूम कर सकते हैं यही चीजें. जैसे ये हमारा न्यूरॉन है, इसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं ये पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्टसिनेप्टिक, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है, ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं. जैसे ही पोस्टसिनेप्टिक पे जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ये उसके साथ बाइंड अप करते हैं, है ना, ये हम जनरली देख चुके हैं. अब क्या होता है, न्यूरोहिमोल ट्रांसमिशन जो हमने देखा था, क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन
मैसेज आता है कन्वे करते हैं, इस मैसेज के कन्वे को हम क्या बोलते थे, विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, केमिकल मैसेंजर न्यूरो ट्रांसमिशन। अब क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी, ये मेरा हैंड है, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। इस न्यूरॉन को, जो ए न्यूरॉन है, इसको अपना मैसेज बी को कन्वे करना है। या तो ये अपना मैसेज किसके थ्रू करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज कन्वे करेगा। इसको अपना मैसेज बी को कन्वे करने के लिए दो दो, दो चीज चाहिए, क्या क्या, एक तो सोडियम चैनल की ओपनिंग, दूसरी कैल्सियम की ओपनिंग, मतलब डीपोलराइजेशन इसको चाहिए, और कैल्सियम की साइटोसिस प्रोसेस चाहिए। जब इसके बाद सोडियम ओपन होंगे, कैल्सियम ओपन होंगे, तभी ये अपना सिग्नल इस न्यूरॉन को, या इस जो आपकी पोस्टसिनेप्टिक टारगेट ऑर्गन है, उसको कन्वे करेगा। ठीक है, अपना जो इसके पास मैसेज है, सिग्नल है, इसको जो इसने भेजना है बी को, ये तभी भेज पाएगा। बी वाला, अगर इसके पास पोटेशियम की ओपनिंग है एंड सोडियम एंड कैल्शियम क्लोज है, हाइपरपोलराइज है, तो यहाँ पे जो सिग्नल है इसी के पास रहेगी, ये अपने सिग्नल फर्दर बी के पास कन्वे नहीं कर सकता। जो सिग्नल ए के पास है वो सिग्नल इसी तक क्या होंगे, लिमिट रहेंगे। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेशन होके यहीं पे वो ब्लॉक हुई, फर्दर इसने कंडक्ट नहीं किया। ऐसे ही इस केस में होगा, इसमें जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इसे बाइंड करके सिग्नल ही नहीं पहुंचाएंगे, तो मतलब वहां पे क्या होगा, आपका कोई सिग्नल मैसेज नहीं जाएगा, मतलब सीएनएस की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी। अब इसमें देखो, आप एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे काम करेंगी। बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन, जूम कर सकते हैं, बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर। जो बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन है, ये गाबा रिसेप्टर पे बाइंडिंग करते हैं। ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में जूम करेंगे तो ये कौन सा रिसेप्टर है हमारे पास, गाबा रिसेप्टर। जूम करते हैं यहाँ पर इसको, ये है हमारे पास गाबा रिसेप्टर। इसके पास पांच सब यूनिट है, देखो, दो अल्फा की, दो बीटा की एंड एक गामा की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसके पास जो इधर वाली साइट है, यहाँ पे इसके पास जो गामा पे बाइंडिंग साइट है, ये क्या है, गाबा की बाइंडिंग साइट है। उसके बाद ये जो अल्फा बीटा की यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे आपकी बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट है एंड बारबिट्यूरेट। उसके बाद जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, अब इसमें क्या होगा, गाबा, ये जो रिसेप्टर दिखाया हुआ है, कौन सा रिसेप्टर है, गाबा रिसेप्टर। तो अब हमने बोला कि जो बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन है, वो कैसे काम करेगी, इस गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगी। ये क्या करेंगी, बाइंड करेगी अपने अपने, यहाँ पे जैसे बारबिट्यूरेट्स बाइंड किया, बेंजोडाइजेपिन ने बाइंड किया, बीच में क्लोराइड है, गाबा बाइंडिंग साइट है। जैसे ही बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन ड्रग गाबा रिसेप्टर से बाइंड करती है, ये क्या करेगी, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को फैसिलिटेट करेगी। ये कैसे, जो ये चैनल है गाबा रिसेप्टर का, इसके अंदर कौन सा चैनल है, क्लोराइड आयंस का चैनल है। और हमें ये याद रखना है कि कैल्शियम, सोडियम, ये हमेशा क्या करते हैं, ऑक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, जहां भी ये चैनल ओपन होते हैं। जब भी क्लोराइड की ओपनिंग होती है, उस कंडीशन में हमेशा सीएनएस का डिप्रेशन होता है, इनहिबिटरी। अब एग्जाम्पल लेते हैं गाबा का, गाबा किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड अपना जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मींस वो हाइपरपोलराइजेशन करेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्लोराइड चैनल जो इसके अंदर बंद पड़ा था, इसकी ओपनिंग को इसने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। उसके बाद जैसे ही क्लोराइड ओपन होगा, बाहर से क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, बाहर से क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब इस कंडीशन से क्या हुआ, मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन होगी, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हाइपरपोलराइज होगी, रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सीएनएस का डिप्रेशन, सीएनएस क्या हो जाएगा, डिप्रेस होगा। ठीक है, अब आप ये मैंने जनरल मैकेनिज्म फिक्शन बताया कि चाहे बारबिट्यूरेट्स ड्रग आए, चाहे बेंजोडाइजेपिन्स आए, आप लोगों ने सेम मैकेनिज्म फिक्शन दिखाना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद ये ही बात बतानी है कि वो क्या करेगी, गाबा के ऊपर बाइंड करके क्लोराइड की ओपनिंग करा के मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं बेंजोडाइजेपिन्स का, बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती है, देखो, फैसिलिटेटरी एक्शन। बेंजोडाइजेपिन्स जब अपने रिसेप्टर पे, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, ये क्या करती है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, एंड फैसिलिटेटरी एक्शन होता है।
होता है। नेक्स्ट है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स जब भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है, ये क्या करती है, जो ड्यूरेशन है क्लोराइड चैनल ओपनिंग का उसको इनहांस करती है बार्बिट्यूरेट्स। अब आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें रिसेप्टर एम्प्टी है, मतलब कोई एगोनिस अभी बाइंड नहीं करा। एम्प्टी रिसेप्टर इज इनएक्टिव, मीन्स अब इस टाइम पे जो क्लोराइड चैनल है वो बंद पड़ा है। जब तक इसमें ना गाबा ने बाइंड किया, ना बार्बिट्यूरेट्स ने, ना बेंजोडाइजेपिन्स ने, तो ये क्लोराइड कैसा है, इनएक्टिव है, क्लोज है। उसके बाद रिसेप्टर बाइंडिंग गाबा एंड बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिट्यूरेट्स। ये सेकंड जो आपको डायग्राम है ये किसका है, रिसेप्टर है जिसके ऊपर गाबा ने, बार्बिट्यूरेट्स ने, बेंजोडाइजेपिन्स ने बाइंड किया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही गाबा अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, गाबा कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे ही अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा ये क्या करेगा, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। जैसे ही क्लोराइड ओपन होगा, क्लोराइड आउटसाइड से इंट्रासेलुलर में मूव करेगा, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी मेम्ब्रेन की। देखो एंट्री ऑफ क्लोराइड हाइपरपोलराइज सेल मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही क्लोराइड अंदर आएगा इसकी वजह से जो सोडियम की ओपनिंग थी, डीपोलराइजेशन थे, वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट होगी एंड रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, जो मैंने अभी समझाया था एक्शन पोटेंशियल वाला। अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो आगे फर्दर भी आपकी इम्पल्स कंडक्टर नहीं होगी। अब देखो बाइंडिंग गाबा का काम क्या है, क्लोराइड की ओपनिंग करना, जिसकी वजह से फर्दर अल्टीमेट क्या हुआ, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होगी। जैसे ही बार्बिट्यूरेट्स बाइंड करेगी गाबा रिसेप्टर पे, ये क्या करेगी, जो फ्रीक्वेंसी थी क्लोराइड की उसको क्या कर देगी, ड्यूरेशन जो क्लोराइड लंबे टाइम के लिए ओपन रहेगा, ये भी इसको क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। क्लोराइड ओपन होगा, सेम हाइपरपोलराइज होगी मेम्ब्रेन, ऐसे ही बेंजोडाइजेपिन से, बेंजोडाइजेपिन क्या करेगी, क्लोराइड की जो ओपनिंग है इसको इनहांस करेगी, कैसे, फैसिलिएटर एक्शन के साथ, और ये भी क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को क्या कर देगी, इनहांस कर देगी। बार्बिट्यूरेट्स ने क्या किया, गाबा की जो बाइंडिंग है इस पे इनहांस करके क्लोराइड की ओपनिंग कराई है ना, और जो बेंजोडाइजेपिन है क्या करेगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है क्लोराइड चैनल ओपनिंग की, उसको क्या करेगी, इनहांस करेगी। ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन है दोनों का, आप लोगों ने सेम डायग्राम ड्रॉ करने हैं और उसके थ्रू इसका क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि आप डायजेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो डायजेपाम कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की है, तो सेम डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। बार्बिट्यूरेट्स रहने देना, वहां पे सिर्फ बेंजोडाइजेपिन्स का वो बनाते स्ट्रक्चर, आप सेम डायग्राम ड्रॉ करके बेंजोडाइजेपिन्स का अलग से डायजेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले आपसे फेंटोइन बार्बिट्यूरेट्स ड्रग का, ठीक है, थायरोपेंटोन सोडियम का, मिथाइलएक्जिटोन का, फिनोबारबिटोन का, तो सेम कैंडिडेट आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप इनके देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन पे कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यूजेस कहाँ हैं इनके, वो यूज देखते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, जो कि बार्बिट्यूरेट्स शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे। सबसे पहले है एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट मतलब जिसमें पेन रिड्यूसिंग पावर होती है, बट सिडेटिव हिप्नोटिक का कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, बट ये पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड जो पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव से सैलिसिलेट्स है, उनकी पेन रिड्यूसिंग जो पावर होती है, एनाल्जेसिक पावर है, उसको इनहेंस करते हैं ये, ठीक है। सेकंड है एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक इफेक्ट कौन सा होता है, अल्ट्रा सॉल्ट एक्टिंग जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, जब उनको आईवी दिया जाता है तो क्या करते हैं, एनेस्थेटिक प्रोड्यूस करते हैं, एनेस्थेटिक इफेक्ट देते हैं अल्ट्रा सॉल्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स। नेक्स्ट है सीएनएस। ये सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, माइल्ड सेडेशन है, हिप्नोसिस है इनका, जो हिप्नोटिक डोज अगर आप देंगे बार्बिट्यूरेट्स की, तो ये नेचुरल स्लीप की तरह क्या करेंगे, स्लीप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट डिप्रेशन कॉज करती है, एक्साइटमेंट कम करती है, टेंशन एंजाइटी कम करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करती है, डिप्रेस करती है, मेडुला ऑब्लिगेटा को डिप्रेस करके रेस्पिरेटरी कोलैप्स कॉज कर सकती है। एंटी फिनोबार्बिटोन का अच्छा सा एंटी कन्वर्सेंट इफेक्ट है, फिनोबार्बिटोन क्या करता है, एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी देता है, मीन्स एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी फिनोबार्बिटोन को यूज करते हैं। फिनोबार्बिटोन को जब हम फेनिटोइन के साथ देते हैं तो ये क्या है, एंटी कन्वर्सेंट इफेक्ट शो करता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन पावर को ये हाई डोज क्या करती है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है।
हार्ट का बीपी फॉल करता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है एंड हाई डोज क्या करती है, हाइपोटेंशन कॉज करती है। नेक्स्ट आप देखते हैं थेरापेटिक यूज। सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इनसोमिया ट्रीटमेंट, नींद ना आएगी पेशेंट को तो वहाँ पे आप हिप्नोटिक डोज देके ड्रग देके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंजाइटी ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका एज एन एंजाइटी ट्रीटमेंट है ये, मतलब आपकी एंजाइटी को जो भी सीएनएस डिप्रेशन है उसको करके एंजाइटी को ट्रीट करती है ये, ठीक है, आप साइड को रिड्यूस करती है। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बिफोर जनरल एनेस्थेसिया, हमने बोला था कि ये मतलब एनेस्थेटिक एक्शन भी है इसका, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो कि एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने से पहले दी जाती है। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्सेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी, सीजर्स को प्रिवेंट करती है। एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, जो भी ब्रेन के डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोसिस डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट देखते हैं, इंटॉलरेंस कॉज करती है, अनीमिया कॉज करती है, आरबीसी। उसके बाद है मेजर का जो डिसएडवांटेज है या साइड इफेक्ट है वो है ड्रग ऑटोमेटिज्म। ये कैसी कंडीशन है, द पेशेंट में फॉरगेट द डोज टेकन एंड टेक डोज या ड्रग रेपिडेटली एट नाइट एंड मे पॉइजन हिमसेल्फ बाय टेकिंग ओवरडोज। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट जो रात को डोज लेता है, मतलब जो उसने डोज ली होती है उसको भूल जाता है, वो रात को और डोज ले लेता है और उसके बाद अपनी ही बॉडी को वो ओवरडोज कर लेता है, टॉक्सिक कर लेता है, इसको बोलते हैं ड्रग ऑटोमेटिज्म। और दूसरा ये क्या करता है, डिप्रेस करता है फीटल रेस्पिरेशन को। तो ये इनके यूजेस थे, साइड इफेक्ट थे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे, ठीक है। उसके बाद आप इंडिविजुअल ड्रग भी पढ़ सकते हैं कि डाइजेपाम अलग से, क्योंकि मैकेनिकल इन्फेक्शन सबका सेम है, बस उनके थोड़े बहुत ड्रग इंटरेक्शन देखने हैं और कुछ यूजेस देखने हैं आपने। तो आप इंडिविजुअली बारबिट्यूरेट्स ड्रग के बारे में पढ़ लेना, बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पढ़ना, बस मैकेनिकल इन्फेक्शन सबका सेम रहेगा, अब ड्रग की क्लासिफिकेशन आपकी होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो का पार्ट नहीं देखा जो सिडेटिव हिप्नोटिक का फर्स्ट पार्ट था, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें ताकि आपको ये इजी रहे समझना। इसमें मेन था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बहुत ही इजी मेथड था, इजी था हिंदी में, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, नोट्स इसके थोड़े दिन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।